नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब के पास आज हम आए हुए हैं फन विले। डॉक्टर साहब, आप कल हार्ट के बारे में यहाँ सभी को बता रहे थे, तो हमने सोचा कि हार्ट पे ही एक एपिसोड किया जाए और जिनके पास ये जानकारी नहीं पहुँच पाई है वो जानकारी पहुँच पाए। आप कल हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि हार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने। दरअसल हार्ट जो है ना, एक पंप है, ठीक है। जैसे एक नल का है, नल होता है ना, नल पानी को हम जब चलाते हैं इधर उधर सारी जगह पहुँचाता है। ऐसे हार्ट का काम है, जो ब्लड है वो वाटर है हमारी बॉडी का, वो ब्लड में ही सारा कुछ है एनर्जी का। वो जो हार्ट है वो ब्लड को हमारी बॉडी के ज़र्रे ज़र्रे में, रोम रोम में सप्लाई करता है, उसे हार्ट कहते हैं, ठीक है। हार्ट जो है उसका साइज लगभग 250 ग्राम से 325 350 ग्राम तक होता है। हार्ट का जो साइज़ है तकरीबन जैसे इंसान की मुट्ठी होती है जैसी, उतना ही साइज होता है, ठीक है नहीं। छोटे बच्चों की मुट्ठी छोटी है, बड़ों की बड़ी होती है, मुट्ठी जैसा साइज होता है। या कहने हम हमारे मैंगो जैसा जो लंगड़ा बनारसी आम है उतना साइज होता है, वो हार्ट का साइज होता है, ठीक है नहीं। हार्ट बॉडी में काम कैसे करता है, हार्ट अटैक होता क्यों है, दो तीन बातें अहम है जिसके बारे में आजकल सभी लोग डरे हुए हैं। समाज में हार्ट की वजह से ही लोगों को डॉक्टर्स लोग और ड्रग माफिया एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक नहीं। हार्ट दरअसल है क्या, हार्ट दो मंजिला होता है। दो मंजिलों में हार्ट दो पार्ट में बांटा होता है। दो मंजिल इसकी ऊपर होती है, वो भी आपस में बांटी होती है, और एक जैसे हम पार्टीशन कर लेते हैं किसी चीज़ का, ऐसे हार्ट का एक पार्टीशन है, उसकी एक मंजिल ऊपर है दाईं ओर, एक उसके नीचे है, ऐसे एक मंजिल बाईं ओर ऊपर है एक नीचे है, ठीक नहीं। तो जो दाईं ओर जिधर हार्ट का पार्ट है उधर से जो जिस ब्लड में जो बॉडी की बाद कंज्यूम करने के बाद ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, दाईं साइड से वो खून जो है, जो ब्लड जो है वो हार्ट दिल में आता है, ठीक है। दिल के उसके बाद वो हार्ट में आकर हार्ट उसे पंप करके लंग्स में भेजता है, ठीक है। लंग्स में जाकर वो फिर ऑक्सीजन को मिक्स हो जाती है लंग्स से ऑक्सीजन, फिर वो दोबारा ब्लड बाईं ओर हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में आता है। नीचे वाला चैम्बर उसको पंप करके सारी बॉडी में पहुँचाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि हार्ट जब हमारी जब छाती में होता है, जहाँ हमारी पसलियों के नीचे होता है, उसका नीचे वाला पार्ट, बाईं वाला पार्ट पसली के नीचे थोड़ा ऐसे ट्विस्ट किया हुआ बाईं की ओर होता है, वही पार्ट है जो मेन बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड की, ठीक है। हार्ट में मैं थोड़ा आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, ये हार्ट ऐसे साइज का होता है, ठीक है। हार्ट में यहाँ एक मेन जब ये सप्लाई करता है, ऐसे ये चार भागों में बांटा होता है, ये ऐसे, ठीक है। इधर वाला जो बाएं वाला भाग है, इधर कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जो हमारी शरीर में जिसे हम वेन कहते हैं, नीले नीले रंग की दिखाई देती है, इधर उसमें कम ऑक्सीजन होती है, इधर आता है, ठीक है। ऑक्सीजन उसके बाद कम ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर यहाँ से ये चैम्बर सप्लाई करके हमारी इधर लंग को भेजता है, लंग से ऑक्सीजन मिलकर फिर इधर आता है ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले भाग से नीचे आता है, ये नीचा भाग, ये फिर ऑक्सीजन वाला फुल ब्लड जो है बॉडी को सप्लाई करता है। और हार्ट से जो खून है, जो दिल से जो खून है, ये यहाँ से इसमें जाता है एक नाड़ी, ये बड़ी मेन नाड़ी है जिसे हम एओर्टा बोलते हैं। एओर्टे से आगे एक नाड़ी ऊपर जाती है, ये ब्रेन को जाती है, ठीक है ना। एक ये इधर जाती है दाईं ओर बॉडी में, एक जाती है बाईं ओर, एक यहाँ से यू टर्न लेकर हार्ट के नीचे से इधर जाती है, ठीक है। ये फिर आगे नीचे ये ब्रेन को सप्लाई करता है, बाईं ओर करता है, ये दाईं ओर करता है। ये आगे सप्लाई जो ब्लड में ये स्टोमिक से होती हुई, लीवर को, किडनी को होती हुई, फिर आगे जाकर दोनों टांगों में ये ऐसे आगे चली जाती है, ठीक है। यहाँ से फिर वापस ब्लड कैपरी के द्वारा ये आर्टरीज के थ्रू जाता है और वेन्स से इसको वापस आकर इधर चलाता है, ठीक है नहीं। ये ऐसे सप्लाई करता है, और हार्ट ये बॉडी को सप्लाई करता है, और जिसे कॉर्नरी कहते हैं, जिसे कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ जो है, दिल की डिजीज़ को कॉर्नरी डिजीज़ ही कहते हैं दरअसल। यहाँ क्या करता है हार्ट, एक कॉर्नरी हार्ट के इधर होती है, ये
एक इधर होती है, ठीक है, एक पीछे से सेंटर की ओर होती है जिसे डिसेंडिंग कॉर्नरी कहते हैं। मेन यहाँ से सप्लाई होती है, ठीक है नहीं। और हार्ट में होता क्या है, ये जो सप्लाई है हार्ट, ये अपने लिए करता है ऑक्सीजन वाले ब्लड की, उसको अपने लिए चाहिए। जब भी हार्ट अटैक होता है, ये जो हार्ट अपने लिए जिन कॉर्नरी से अपने लिए हार्ट अपने फास्ट के लिए अपने चलने के लिए ब्लड सप्लाई करता है, उसमें ही हार्ट अटैक होता है और किसी वेन में हार्ट अटैक नहीं होता। और इसी में ही फैट डिपॉजिट होती है, ठीक है। और हार्ट को काम करने के लिए लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 30% ये आर्टरीज का ओपन होना जरूरी है। अगर 30 से कम है तो हार्ट का ऐसा है कि हम जोर का, भागा दौड़ी का, स्पोर्ट्स का काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 20% हमारी खुली है आर्टरी तो हम सारे काम छोटे मोटे कर सकते हैं। अगर 10% है तो हम बैठने वाला काम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हार्ट की प्रॉब्लम कब आती है, जब आर्टरी तीन तरह उसमें डिपॉजिट होता है। अगर आर्टरी 10% खुली है तो आराम से कंप्यूटर शंप्यूटर के बैठकर काम करते हैं, या कंप्यूटर से जब उठले हिलने जुलने वाला आदमी कहता है कि मेरे को चलने फिरने में मुसीबत आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि आर्टरी हमारी 10% से भी कम रह गई है, ये बंद हो रही है। और अगर 20 काम कर जो थोड़ा वजन भार का और ताकत वाला काम करते हैं, एनर्जी वाला काम करते हैं, अगर उसमें उसको पेन होती है काम करते हुए, तो समझ लेना चाहिए कि आर्टरी 20% से ऊपर बंद होनी शुरू हो, ठीक है। अगर कोई स्पोर्ट्स का काम, भागा दौड़ी का काम करता है, अगर उसको इसमें काम करने में दिक्कत आ रही है, पेन हो रही है, जिसको एंजाइना भी कहते हैं, इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि हार्ट की जो आर्टरी है ये 30% से ज़्यादा ब्लॉक हो गई है, ठीक है। की बात पहली तो कि हार्ट जो है 10, 20, 30, अगर 30% हमारी आर्टरीज खुली हैं तो ये मोर देन सफिशियंट है, उनको ना हार्ट अटैक होता है ना जल्दी बीपी होता है। भगवान ने मतलब कमाल किया हुआ है कि हमारी जरूरत से आर्टरीज को 3 गुना से ज़्यादा भी खुला रखा हुआ है, कि अगर किसी हमारी गलती के कारण हमारी आर्टरी अगर बंद होती है तो हमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ये कुदरत की खेल है, ठीक है। और दूसरा कि हार्ट अटैक होता क्यों है, कहाँ कहाँ होता है, इसका भी मैं थोड़ा आपसे थोड़ा विस्तार में बात कर लेता हूँ। आइए देखिए, ये जो हार्ट में मैंने कहा था ना कि ये हार्ट ऐसा होता है, ये तीन, एक कॉर्नरी वाली है, एक ये सेंटर वाली है, ठीक है, आर्टरी यहाँ आती है, इसको ये अलग अलग भागों में ऐसे ऐसे चली जाती है, ऐसे ऐसे चली जाती है, ठीक है। अगर तो यहाँ हार्ट अटैक होता है यहाँ, फिर तो ये क्या होगा, इधर उधर से हार्ट का इतना पार्ट मरेगा, ठीक है, इससे आदमी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दस बार भी हार्ट अटैक हो जाए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं माइनर हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक यहाँ होता है तो इतना भाग मर जाएगा हार्ट का, ठीक है, इसको कहते हैं मेजर हार्ट अटैक। इसमें हार्ट अटैक में ऐसा होता है कि अगर 1 घंटे में इस पेशेंट का संभाल हो जाए, उसको वो इंजेक्शन जो लगता है, ब्लड क्लॉट्स जो बनते हैं, उसको खोलने वाला लग जाए तो आदमी बच जाता है। एक होता है ये यहाँ हो जाए अगर हार्ट अटैक, इसको कहते हैं मैसिव हार्ट अटैक। जब यहाँ मैसिव हार्ट अटैक होता है, इसमें आदमी कभी नहीं बचता। ये हार्ट, 3 तरह के हार्ट अटैक होते हैं, ठीक है, ये माइनर है, ये मेजर है, ये मैसिव हार्ट अटैक है। मगर जो माइनर हार्ट अटैक है इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसको तो बहुत जल्दी कंट्रोल किया जाता है। और माइनर हार्ट अटैक अगर एक बार घर में हो जाता है तो उसके बाद ये माइनर ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है, इसमें हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं होती, मगर आजकल डराकर लोग कर देते हैं। और ऐसे ही ये हार्ट अटैक है, अगर एक बार होकर ये संभल गया, संभलने के बाद उसको डॉक्टरों ने संभाल लिया, तो उसके बाद इसको आदमी पूरी ज़िंदगी जीता है। मैसिव हार्ट अटैक में अगर एक बार हो गया तो उसमें छुट्टी हो जाती है। तो ये हार्ट अटैक, 3 तरह के तो हार्ट अटैक होते हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि लेडीज़ की बजाय जेंट्स में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? आप ये ठीक कहते हैं, दरअसल हार्ट अटैक ऐसा होता है, इसके विस्तार में थोड़ी और बात करेंगे कि पहले तो ये कि हार्ट अटैक किस किस एज में होता है, ये देखने वाली बात है। हार्ट का जब भी आप बात करेंगे तो हार्ट आप देखेंगे करीब कोई 20 साल से पहले हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं कम होते हैं,
उसका रीज़न ये होता है कि 20 साल तक हमारी बॉडी डेवलप होती रहती है, हमारी बॉडी की जो फैट है, हमारी बॉडी की जो और एनर्जी है, जिसने जाकर आर्टरी में कॉर्नरी आर्टरी में डिजीज़ बनना है या डिपॉजिट होना है, वो हमारे ऑर्गन में, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में वो एनर्जी उधर कंज्यूम होती रहती है। इसलिए 20 साल से पहले हार्ट अटैक होने के चांसेस नहीं होते, बीपी होने के भी चांसेस नहीं होते, ठीक है। लेडीज़ में हार्ट अटैक क्यों कम होता है? तकरीबन जितने हार्ट अटैक के केस आते हैं, मैं यहाँ भी देखता रहता हूँ, हार्ट के पेशेंट के भी देखता रहता हूँ, कि जितने पेशेंट आते हैं लगभग 5% उसमें लेडीज़ के केस होते हैं। लेडीज़ को हार्ट अटैक का कारण एक भगवान का लेडीज़ को बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वो है लेडीज़ का मासिक धर्म। जो लेडीज़ को मंथली जो मासिक धर्म आता है, 18-19 साल तक तो लेडीज़ बढ़ती रहती है, वैसे इस मासिक धर्म पहले शुरू हो जाता है, उसके ऑर्गन बनते रहते हैं। वो मासिक धर्म में जो मंथली आती है उसमें उसका चिकनाहट फैट वगैरह वो ब्लड के थ्रू चला जाता है, वो हार्ट की आर्टरीज वगैरह में ब्लॉक नहीं होता जाकर। इसलिए जब तक वो उसको मेंसेज आते रहते हैं, मेंसेज अगर लेडीज़ को 50 से ऊपर 55 साल तक आते हैं तो लेडीज़ को हार्ट की बीमारी आती ही नहीं। लेडीज़ को हार्ट की बीमारी ना आने का कारण यही है कि लेडीज़ को मासिक धर्म आए महीने आता है, उसमें वो 3 से 7 दिन तक आता है। वो 3 से 7 दिन लेडीज़ की जो फैट है, लेडीज़ की जो एनर्जी है, क्योंकि उसी फैट से बच्चे ने डेवलप होना होता है, उसी फैट ने बॉडी में डिपॉजिट होना होता है, इसलिए वो जो है फैट वो मेंसेस के थ्रू लेडीज़ की चली जाती है, उसमें हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। इसलिए लेडीज़ को जेंट्स के कंपेरेटिवली 5% ही चांसेस होते हैं, वो भी जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रेस के जो प्रेशर के होते हैं। हार्ट अटैक का दरअसल बड़ा रीज़न फैट के साथ साथ स्ट्रेस ही है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक जब आता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है? अच्छी बात है, हार्ट अटैक जब आता है, देखिए पहले तो ये है कि हार्ट अटैक में हमारा आने से पहले हमें रूटीन में भी पता लगता रहता है, 90% लोगों को उनका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है रूटीन में, हार्ट अटैक सडन ही आता। दूसरा, उनको कामकार करते वक्त जैसे किसी की आर्टरी 30% से कम खुली रहेगी, वो स्पोर्ट्स कर रहा है, उसको लग रहा होता है कि क्योंकि जब एकदम जोर से स्पोर्ट्स करता है वो उतनी उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए उतनी ब्लड सप्लाई चाहिए। हार्ट ने जब जोर से पंप करता है वो पंप से वो एनर्जी वहाँ जाती नहीं है, तो आर्टरी पे प्रेशर पड़ता है। आर्टरी के जहाँ फैट जमा हुई होती है वहाँ मेम्ब्रेन जो है ना क्लियर होती है हार्ट में, वो जब प्रेशर पड़ता है वो लेयर जब फट जाती है, फटने से ब्लड आता है, ब्लड का पहले फैट जमी होती है, फैट के साथ क्लॉट्स बन जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक होने पर क्या महसूस होता है पेशेंट को, चक्कर आते हैं या क्या? हार्ट अटैक जब होता है तो एक बात तो ये है कि पहले उसको ये पेन होती है, क्योंकि पेन होने का कारण क्या है कि हम ब्लड बॉडी में जा रहा है मगर हार्ट उसको पंप कर रहा है, वो जैसे बॉडी चाहती है और हार्ट चाहता है वैसे ब्लड नहीं जा रहा, उसको जोर लगाना पड़ रहा है, जोर लगाने की वजह से जहाँ से ब्लड ने जाना है वहाँ पेन हो रही है। पहली बात तो कि पेन होगा, फिर प्रेशर होगा हार्ट पे, और जब हार्ट अटैक होता है उसके बाद उसको घबराहट होती है, स्वेटिंग आती है, स्पेशली ये लेफ्ट आर्म में पेन भी होती है, कई बार जाँब में पेन चली जाती है, ये पेन पीछे भी चली जाती है, ये अगर लेफ्ट बाजू में पेन जाती है बाई में और पीछे को जा रही है पेन, अगर जबाड़े में को जा रही है पेन, इसका मतलब सिंपल बात है कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है, इसका तुरंत इसका इसी वक्त इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि हार्ट अटैक जब होता है पेशेंट को तो जब वो हॉस्पिटल्स जाते हैं तो कहते हैं कि जो स्टंट डलता है वो 25 से 30 हज़ार का होता है, और नॉर्मली डॉक्टर उनको पैकेज बता देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में 2 लाख का पैकेज है, कोई 2.5 लाख का बताता है, कोई 5 लाख तक का पैकेज बताता है अपने हॉस्पिटल के हिसाब से। तो क्या बिना किसी ऑपरेशन के इस हार्ट अटैक का इलाज संभव है? देखिए, वास्तव में तो ऐसा है, एमरजेंसी में तो कोई और बात है, वैसे बिना ऑपरेशन से ही हार्ट का इलाज संभव है, ठीक है। देखिए, 3 तरह हार्ट का इलाज करते हैं, एक एंजियोप्लास्टी है, एक बाईपास सर्जरी है। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, वो बाईपास कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी में वो नई वेन डाल देते हैं। स्टंट में वे क्या करते हैं, जो आर्टरी हमारी बंद होती है, ठीक है, जिस जगह हमारा डिपॉजिट हुआ होता है, जहाँ से ब्लड को जाना मुश्किल हो रहा है, पहले उसको हार्ट अटैक के समय उसको खोल देते हैं, टीका लगाते हैं, वो उसमें एक दवाई होती है, वो दवाई की वजह से वो क्लॉट्स खुल जाता है, उसके बाद वहाँ स्टंट डालते हैं। एक्चुअली स्टंट क्या है, स्टंट एक सिंपली स्प्रिंग है,
अगर गवर्नमेंटें चाहें तो उस स्टंट की कीमत 50-55 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है, एक सिंपल स्प्रिंग होता है, ठीक है नहीं। वो तो ये सिस्टम ही ऐसा है कि एक पूरे संसार पे ये ड्रग माफिया ने कब्जा कर लिया, ठीक है। वो ड्रग माफिया के जितने एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं वो भी वही हैं, कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती हैं वही WHO को चलाती हैं। इसलिए WHO लोगों के वेलफेयर के लिए काम तो करती है, मगर वो काम ऐसा करते हैं कहते हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो। इसलिए सारा संसार ये दवाई की वजह से उलझा हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात भी कह रहा हूँ कि आज इंडिया में और बहुत ज़्यादा संसार में जहाँ ड्रग माफिया का कब्जा है, और क्या हो रहा है, लोगों की आमदनी सिर्फ दवाइयों में और एजुकेशन में, जिसको कह रहे हैं सो कॉल्ड है एजुकेशन ही है, ज़्यादा कि वो लिटरेसी है, लिटरेट लोग पैदा कर रहे हैं, एजुकेटेड नहीं है। सारी जो लोगों की आमदनी और लोगों का कामकार है इसी में ही बर्बाद हो रहा है, ठीक है नहीं। इसलिए इसकी एजुकेशन की इस पर बहुत ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो स्टंट हम डालते हैं, दर स्टंट जब देखिए, आप ही देखिए कि एक बेन है, ये इतनी क्लोज होगी, इसके अंदर हम एक स्प्रिंग डालेंगे, स्प्रिंग क्या करेगा, इसको खोलेगा ऐसे, स्प्रिंग इसको इसको खोलेगा ऐसे, ठीक है। जब स्प्रिंग खोलेगा तो स्प्रिंग आगे पड़ा है, डिपॉजिट पहले भी हो रहा है, और स्प्रिंग की वजह से जो स्प्रिंग आगे है उसकी वजह से एक बार तो आर्टरी खुल जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड तो वही है ना जो पहले डिपॉजिट हो रहा था, वो और डिपॉजिट होने लगेगा। इसलिए जो जो स्टंट की बात करते हैं, स्टंट की लाइफ आजकल खुद साइंसदान भी मान रहे हैं, जो हार्ट वाले डॉक्टर हैं जो हार्ट पे काम करते हैं, इवन जो लोग कह रहे हैं कि हम हार्ट की वेलफेयर के लिए स्टंट बना रहे हैं वो भी मानते हैं कि स्टंट ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल काम करता है, उसके बाद एक स्टंट और डालता है, एक डाल दिए फिर कहेंगे दो और डलेंगे। स्टंट भी बॉडी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि स्टंट की वजह से ही वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दरअसल इसके लिए बहुत और तरह के इलाज हैं। जब हमें पता लग जाए कि हार्ट अटैक हो रहा है, या हमारी आर्टरी जो है 80% से ज़्यादा बंद हो गई है, जब हम स्पोर्ट्स मैन हैं ये 70% से ज़्यादा बंद हो रही है, उसके लिए बहुत तरह के हमारे पास खुराक हैं, वो कुदरती खुराक है। कुदरती खुराकों में क्या करना चाहिए कि कुछ फैट वाली खुराकें कम कर लेनी चाहिए, और उसमें रिफाइंड ऑयल में तो टोटली ही रिफाइंड ऑयल को हार्ट के लिए सब्जियों में खाने में बंद कर देना चाहिए, स्पेशली राइस ब्रान का तेल तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, और सेंधा साल्ट हमेशा यूज़ करना चाहिए, समुद्री साल्ट को बंद कर देना चाहिए, उसके बाद सीट्रस फ्रूट जितने हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये है कि जैसे हार्ट को खोलने के लिए जिन चीज़ों से टीके बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं जो क्लॉट्स को ठीक करते हैं, उनके मुकाबले हमारे पास प्लांट्स हैं। जैसे एक प्लांट्स है उसका नाम है स्टार प्लांट्स, स्टार प्लांट्स, स्टार प्लांट्स में विटामिन सी बहुत होता है, और क्लॉट्स को और फैट को मेल्ट करने की उसकी कैपेसिटी बहुत है। स्टार प्लांट्स का फ्रूट्स है, वो स्टार की तरह ही होता है, ठीक है, इतना बड़ा फ्रूट होता है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर विमली ककुम्बर एक प्लांट है जिससे कुछ टीके भी हार्ट के जब क्लॉट्स बनते हैं उसको खोलने के लिए उससे टीके भी बनते हैं, इवन वो 3-4 प्लांट्स के मिलके हैं, उसमें ये स्टार प्लांट्स भी है, विमली भी है, उसमें बबल भी है, वो जो हार्ट के लिए टीके बनाते हैं जब हार्ट अटैक होता है ना, 100% जब बंद होता है कुछ हार्ट का जगह मर जाती है, मरने लगती है ना, तो उसको उसी से खोलते हैं। वो विमली प्लांट्स है, विमली ककुम्बर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अर्जुनिया है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पुनर्निवा है, गोखरू है, वो हमारे ब्लड की सप्लाई को सही साफ करके फैट को ख़त्म करके प्योर करते हैं। गोरखमुंडी है, ब्रह्मडुंडी है, मतलब उसके बाद हमारे पास खाने हैं, हमें सीजन का खाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, स्पेशली जो लीव्स वाली वेजिटेबल्स है, स्पेशली हार्ट के लिए अगर डिपॉजिट कुछ होने लगा है, बाथू है, चलाई है, पालक है, ये बहुत ही यूज़फुल है हार्ट के लिए। अगर बाथू चलाई पालक का कंटिन्यूसली आप साग खाते हैं लहसुन के साथ, तो हार्ट का अगर 2-3 महीने आप एहतियात रख के और चीज़ों का, शराब को छोड़कर, नशों को छोड़कर, थोड़ा मीट को कम करके, थोड़ा फैट को कम करके, अगर उस ऐसी सब्जियों को खाने के में इस्तेमाल करते हैं, सलाद इस्तेमाल करते हैं, तो 3-4 महीने के बाद क्या होता है कि अगर आपकी आर्टरी 80% बंद हुई है तो लगभग वो 65% रह जाती है। वो सर्जरी से बेटर है कि हम अपने खाने को ठीक करें, क्योंकि सर्जरी हम कितनी बार कराते रहेंगे, अगर हमारे बॉडी में उसका नेचर बन गया कि उसने हमारी आर्टरी को डिपॉजिट करके ब्लॉक करना है,
तो हम अगर सर्जरी करा लेंगे उसका नेचर तो ब्लॉक करने का बन गया, अगर हम स्टंट करा लेंगे उसका नेचर तो ब्लॉक करने का बन गया। हम वो काम करें जिसे जिसकी वजह से ब्लड में जो फैट है, जो फैट डिपॉजिट होने का रीज़न है, कि उसको कैसे कम किया जाए, वो हम खाने से, अपने रहन सहन से। सबसे बढ़िया हार्ट के लिए, जो अगर हार्ट की बीमारी आती है, आपको बीपी होता है, सबसे बढ़िया दवाई है क्या चीज़ है, सबसे बढ़िया दवाई है एक्सरसाइज। हल्का फुल्की एक्सरसाइज करें, अपना काम करने का स्वभाव डालें। सुबह अगर काम सैर नहीं कर सकते, दिन में अगर काम करते रहते हैं, सुबह की सैर की ज़रूरत ही नहीं होती। सुबह की सैर तो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो काम नहीं करते, फिजिकल वर्क नहीं करते। अगर आप फिजिकल वर्क दिन में करते रहते हैं थोड़ा बहुत, इवन अपना बिस्तर आप बना लिया, बूट पॉलिश आप कर लिए, अपना कमरा आप साफ़ कर लिए, अपनी गाड़ी आप साफ़ कर ली, पैदल नहीं चलते, ठीक है, थोड़े बहुत और काम कर लिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग कर लिए, हार्ट अटैक होता ही नहीं, ना ही डिपॉजिट होता है। क्योंकि अगर हम 50-60 मिनट हमारी बॉडी को तेज़ गति में रखते हैं, काम करते हैं, तो हमारा ब्लड सप्लाई फास्ट हो जाती है, हमारी जो फैट है बर्न हो जाती है, वो जमती नहीं है, इसे हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते ही नहीं हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें घरेलू उपाय बताए, और ऐसे क्या कौन सी बातें होती हैं जिनको हम अपने डेली में, मतलब रोज़ के रूटीन में हम उनको अपना सकते हैं, और किन बातों का हम खास ख्याल रख सकते हैं? यही ख्याल है, देखिए हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीज़न और ब्लड प्रेशर का भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस होता क्यों है? देखिए ओवर एम्बिशन है सोसाइटी, मतलब सोसाइटी सबसे बड़ा स्ट्रेस का रीज़न आज एक मीडिया है, दूसरा टेलीविज़न है, चौथा कंप्यूटर है, पांचवा फ़ोन है। ये फास्ट कम्युनिकेशन जो हो रहा है इसके पाँव नहीं है, ये बिना पाँव के नहीं है, जिनके पाँव नहीं है वो इंसान के पाँव भी काट देता है। इंसान पाँव से ही इधर उधर जाएगा और हाथ से जाएगा, हाथ पाँव वो काट देता है, वो क्या कहता है, वो ख्यालों से दौड़ता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। जब प्रैक्टिकल आप नहीं होंगे, ख्यालों से चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, ओवर एम्बिशन होंगे, स्ट्रेस होगा, आपको हार्ट अटैक भी होगा और साथ में क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर एम्बिशन ना हो, और ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो मीडिया की है, टेलीविज़न की है, ये एडवर्टाइजमेंट है जो, और फॉल्स कम्युनिकेशन है, और फॉल्स किस्म की जो किताबें इन्फ्लेमेटरी बुक्स हैं जिनमें होता कुछ नहीं है, एक किताब में उठाई दूसरी किताब लिख ली, दूसरी से तीसरी लिख ली, वो समाज को पास करते हैं, बच्चों को पता नहीं होता, उनको पढ़कर वो मिसगाइड हो जाते हैं, मिसगाइड होकर वो प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं सकते, जब वो करना चाहते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता तो क्या करता है, स्ट्रेस पड़ जाता है, तो आदमी को बीपी बढ़ेगा, साथ में हार्ट अटैक होगा। क्योंकि हमारे बीपी जो है, नॉर्मल बीपी जो है, ऊपर वाला 120 होता है या 15 होता है, नीचे वाला 80 से 75 होता है। अगर हमें स्ट्रेस पड़ गया, बीपी बढ़ गया, तो हमारे बीपी के लिए जब उतने फास्ट जोर से उसी ट्यूब में हम, एक तो हमने 120 पाउंड का वेट वहाँ लेकर जाना है, 80 पाउंड का लेकर जाना है, उसकी जगह 150 का डालेंगे, जब हम 150 पाउंड का वेट किसी जगह जिसकी कैपेसिटी नहीं डालेंगे तो उसकी लीवर को फटेंगी, फटने के बाद हार्ट अटैक होगा। इसलिए हमें इस चीज़ का तो बहुत ध्यान रखें कि स्ट्रेस ना करें। सबसे बड़ा रीज़न खुराक नहीं है, स्ट्रेस है, ओवर एम्बिशन है, उसके बाद खुराक है। हम वो खुराकें खाते हैं जिनके लिए हम काम नहीं करते। आजकल क्या है, कहीं भी जाओ फास्ट फूड है, कहीं जाओ फ्राई फूड है, कहीं भी जाओ चिकन है, कहीं भी जाओ मटन है, कहीं भी जाओ फिश है। जबकि मटन चिकन कोई इतनी बढ़िया खुराक नहीं है, ये इतनी मटन चिकन उन लोगों के लिए है जो फिजिकल वर्क करते हैं, जिन्होंने मशक्कत वाला काम करना है, उनको एनर्जी चाहिए। आम रूटीन में अगर मटन चिकन खाना भी है, वो इतनी कम मकदार में खाएं, कभी कभाई खाएं कि बॉडी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आजकल नॉन वेज का और फ्राइड चीज़ों का, फास्ट फूड का एक रिवाज ही हो गया, इसलिए उसकी वजह से हार्ट अटैक का मैं सोचूं एक फैशन ही है। क्योंकि वो फैशन, जब फूड खाते हैं, फूड का फैशन हार्ट में आ जाता है, वो फिर फैशन हार्ट से नज़र आता है, हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए फूड की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और स्ट्रेस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के साथ साथ और कौन सी बीमारियां हो जाती हैं हमें? हार्ट अटैक, देखिए हार्ट हमारा बॉडी का मेन ऑर्गन है, ठीक है, माँ के पेट में जब बच्चा डेवलप होता है, भ्रूण से सबसे पहले हार्ट बनता है, हार्ट से ही स्पाइन बनती है, स्पाइन, उसी स्पाइन से फिर ब्रेन बनता है, ब्रेन से सारा नर्वस सिस्टम हमारी जो नेवल के हिसाब से होता है वो कंप्लीट बनता है। इसलिए हार्ट बॉडी का नेवल के साथ एक मेन ऑर्गन है, इसलिए जितनी बीमारियाँ उसके बाद आएगी, देखिए बॉडी में कमजोरी भी आएगी, घबराहट भी आएगी, थिंकिंग में भी हमारे
वो कमी आएगी, ठीक है, हमें घबराहट भी होगी, डर भी लगने लगेगा। ये सब हार्ट की बीमारी का रीज़न है। हार्ट से ही माइंड चलता है, हार्ट से ही ब्रेन चलता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी का स्रोत है उसके वो ब्लड के पास है। ब्लड की सप्लाई जो है वो हार्ट करता है, ठीक है। हमारी एनर्जी का स्रोत ब्लड है और ब्रीदिंग है, ठीक है। ब्लड और ब्रीदिंग की वजह से ही हम जो दूसरी एनर्जी लेते हैं वो काम करती है बॉडी में, ठीक नहीं। जब हमारी बेसिक एनर्जी जिससे दूसरी एनर्जी ने काम करना है वही ख़राब हो गई तो सारी बीमारियाँ हार्ट की वजह से ही आएगी। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आपने अभी हमें बताई हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो वो जो दवाइयाँ हमें कैसे लेनी चाहिए, काढ़े के रूप में लेनी चाहिए या? देखिए, खुराक के रूप में है ये दवाइयाँ, नहीं दवाइयाँ की, क्योंकि जी अपनी खुराक है बेसिकली जो किचन है, किचन इज ए ड्रग स्टोर। ये तो हमारे कंडीशन करके ब्रेन में डाल दिया गया, माइंड में डाल दिया गया कि ये दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ जो है खुराक से ही बनती है। अगर आप खान पीन और सोच को ठीक रखते हैं दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ तो एक बहुत चलाक सोसाइटी लेकर आई है लोगों में, दवाइयाँ हॉस्पिटल वगैरह, ये तो एक फाल्स एजुकेशन की सोसाइटी को देन है। मगर ये नहीं कि दवाइयों के मैं उल्टू, दवाइयाँ जितनी ज़रूरत थी वो तो ठीक थी। अगर हम दवाइयों को ज़रूरत बनाकर सोसाइटी में पेश कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को टीच कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बारे में टीच कर रहे हैं, हम इसको व्यापार बनाकर लोगों के ऊपर ठोस रहे हैं। दवाइयों को होना बुरी बात नहीं है, मगर जो हमारी खुराक है, हमारे रहने सहने का जीवन है, हमारी जो शैली है, वही अपने आप में दवाइयाँ हैं, वही हॉस्पिटल है। हमें अपने रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, खुराक का ढंग, सोचने का ढंग ठीक करना होगा, नहीं तो समाज बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि समाज में जितने रूलर हैं, जितने अमीर लोग हैं, इनका मेन कोशिश यही है कि पैसे को कैप्चर कैसे किया जाए, आदमी को तड़फाने में लोगों को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए आदमी मर रहा है, डॉक्टर के लिए कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टरों का काम तो ऐसा है, मैं कितने हॉस्पिटलों में देखा है, कुछ डॉक्टर आदमी को मरे को हुए को भी वेंटिलेटर पे डाल रखते हैं, पता फिर लगता है 5 दिन के बाद कि इसका बिल 7 लाख बना दिया। तो आप देखिए, जिस समाज में ऐसे हॉस्पिटल और डॉक्टर पैदा हो रहे हैं उसमें दवाइयों का क्या कम रह गया। इसलिए लोगों को जागृत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अपनी खुराक में, अपनी शैली में, अपने रहन सहन के ढंग को ठीक करें और दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज करें और अपना काम करें। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई खास एक्सरसाइज? इसके लिए खास एक्सरसाइज यही है कि अपना काम करें। और अगर काम नहीं करते, आप फिजिकल वर्क नहीं करते कोई, आप कंप्यूटर में बैठना पड़ते हैं, क्लरिकल जॉब है आपकी या दफ्तर की ऐसी जॉब है, आपको फुर्सत नहीं मिलती, तो सुबह उठकर अपना घर साफ़ करें, अपना बेड़ा साफ़ करें, अपने कोई प्लांट्स हैं गमले गुमले उनको उठाकर साफ़ करें, साथ में सैर वैर करें। आओ, बॉडी को जब 40-50-15-60 मिनट ऑक्सीजन मिलेगी और एक्सरसाइज मिलेगी, बॉडी का सारा सिस्टम एकदम ताज़ा हो जाएगा, सारी जगह ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड जाएगी, ब्लड कहीं जाकर फैट डिपॉजिट नहीं होगी। ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है और ये हमें करना चाहिए। वास्तव में हार्ट की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है। खतरनाक हार्ट के बारे में जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मेडिकल साइंस के द्वारा समाज को भेजी जा रही है, पेश की जा रही है और समाज को उसके थ्रू एजुकेट किया जाए, दैट इज़ वेरी डेंजरस। इसलिए हमें अपने सोचने का ढंग, पढ़ाई लिखाई का ढंग, समाज में कम्युनिकेट करने का ढंग गवर्नमेंटों को, लोगों को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो समाज पूरे का पूरा बीमार हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हार्ट के बारे में, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप के रोज़मर्रा के काम को करते हुए अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।